गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 17 जनवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। स्टूडेंट, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उभरने के लिए किस देश को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? श्रीलंका को। किस देश के प्रधानमंत्री ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। हाल ही में मशहूर डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? कथक से। रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब रेलवे में गार्ड पद को किस नाम से जाना जाएगा? ट्रेन मैनेजर के नाम से। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है? एचडीएफसी बैंक को। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। 15 जनवरी 2022 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 147वां। हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन बनी है? मुंबई महानगर पालिका। किस मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया? आयुष मंत्रालय ने। भारत में सेना दिवस 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले अनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टरों ने। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर आपको डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी ने त्रिपुरा और किस देश के बीच नए हाईवे को मंजूरी दे दी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश के बीच। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। इस हाईवे की मदद से पड़ोसी देश बांग्लादेश के कोमिला शहर को त्रिपुरा के उदयपुर से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रस्तावित परियोजना के लिए शुरुआती सर्वेक्षण का काम पहले ही पूरा हो चुका है। अब डिस्कस कर लेते हैं आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहां से कहां तक है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 47A। राष्ट्रीय राजमार्ग 47A एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई है 6 किलोमीटर। आगे डिस्कस करेंगे। भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-27 है, जो कि गुजरात से असम तक है। हाल ही में किसने भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में से लॉन्च किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुद्रा टका है। वर्तमान राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 26 मार्च 1971 को। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? ढाका में। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होती है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा नदी है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद भी कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। आगे डिस्कस करेंगे। किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ।
बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं, ट्रिक है ममता बनर्जी। एम से मेघालय, ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा और ए से असम हो जाएगा, क्योंकि असम से दो बार सीमा लगती है बांग्लादेश की। और बनर्जी से आप लोग याद रख सकते हैं पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। मिताली और बंधन एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के बीच चलती है। हाल ही में किन दो देशों के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग शुरू किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून का निर्माण करेगी। एक बार कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का 8वां राज्य बन जाएगा। इससे पहले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, सिक्किम, नागालैंड और कर्नाटक ने कानून बनाकर ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश लेटेस्ट करंट अफेयर, यानी हाल ही में खबरों में रहा मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन करेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है इंदौर। भारत में सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपए देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने खेल के क्षेत्र में एक व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। पावर सेंटर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला भारत का पहला देश है, देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन कार्यक्रम का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश को आप लोग मैप में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लगती है। अब डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ अन्य जानकारियां। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में घटित हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर। राजधानी भोपाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। लोकसभा सीटों की संख्या है 29। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, तवा, ताप्ती, सिंध, केन, छिपरा, माही, वैनगंगा, पार्वती और वर्धा है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं और हृदय प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पीच नेशनल पार्क और कुनो नेशनल पार्क है। प्रमुख अभयारण्य हैं बोरी, राला मंडल, नोरा देही, रातापानी, गंगौ और करहरा अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान के साथ। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। भारतीय नौसेना के जहाजों शिवालिक और कदमत ने बंगाल की खाड़ी में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाजों उर्गा और हिराडो के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास जिनमें भारत भाग लेता है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, शक्ति भारत फ्रांस, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, वज्र
भारत अमेरिका, एलिफेंट भारत मंगोलिया, एक्वेरिन भारत मालदीव, एक्स डिजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच होती है, सूर्य किरण भारत नेपाल, अजय वॉरियर भारत इंग्लैंड, संपीति भारत बांग्लादेश और खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच। अब डिस्कस करेंगे जापान के बारे में। यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर है? होनसु द्वीप पर है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। पहला जीन बैंक जापान में खोला गया है और दूसरा जीन बैंक नई दिल्ली में। हाल ही में 32वें ओलंपिक कहां हुए? टोक्यो में। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। जापान को निप्पन, सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश भी कहते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? 6 अगस्त को। नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में एक नया भूभाग बनाया है? तो जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 16 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। आई डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट। गंगा सागर मेले का आयोजन 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक पश्चिम बंगाल के गंगा सागर द्वीप पर किया गया। गंगा सागर मेले का आयोजन हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत के प्रमुख मेले जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेला 4 जगहों पर प्रत्येक 12 वर्ष में होता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। सोनपुर मवेशी मेला बिहार में गंगा और गंडक नदी के मिलन स्थल सोनपुर पर हर साल लगता है। आपको बता दें कि यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। हेमिस गोम्पा मेले का आयोजन लद्दाख में बौद्ध समुदाय द्वारा किया जाता है। अंबुबाची का मेला असम के गुवाहाटी में लगता है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा में किया जाता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। चंद्रभावा मेला और पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान राज्य में किया जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, गगनयान मिशन के लिए हाल ही में इस इंजन का सफल परीक्षण इसरो द्वारा किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं गगनयान मिशन के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा गगनयान मिशन की योजना बनाई गई है। गगनयान मिशन के तहत 3 उड़ानें कक्षा में भेजी जाएंगी। 3 में से 2 मानव रहित उड़ानें होंगी जबकि 1 मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी। कक्षीय मॉड्यूल, इस मॉड्यूल में 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। गगनयान पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में 5 से 7 दिनों तक पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। गगनयान को GSLV-M के थर्ड पर लॉन्च किया जाएगा जिसे LVM थर्ड भी कहा जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। संस्थापक विक्रम साराभाई थे और इसरो के नए अध्यक्ष हाल ही में बने हैं एस सोमनाथ। स्टूडेंट, अगर आप तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस योजना के बारे में।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम वर्गीय परिवारों के घर बनाने का सपना पूरा किया जा सके। यह वेबसाइट नागरिकों को अपना घर बनाने का सपना पूरा करने में मदद करेगी। यह वेबसाइट पारदर्शी तरीके से भूमि को स्पष्ट और मुकदमे मुक्त स्वामित्व के साथ साथ गैर लाभकारी बाजारों के नीचे उचित मूल्य प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सफेद हंस नामक विमान जो हाल ही में समाचारों में था, किस देश ने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस द्वारा इसे विकसित किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। रूसी रक्षा बलों ने हाल ही में एक नए टूपोलेव TU-160M का अनावरण किया है। यह एक बम वर्षक विमान है जिसे सफेद हंस के नाम से भी जाना जाता है। इस बम वर्षक विमान को परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सबसे भारी सुपरसोनिक सैन्य विमानों में से एक है। युद्ध के समय यह विमान एक दिन से अधिक समय तक आकाश में रह सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं रूस लेटेस्ट करंट अफेयर, यानी हाल ही में खबरों में रहा रसिया। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? रूस ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और रसिया के बीच। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से। हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है? रूस ने। आर्मी 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? रूस में। मैप में आप लोग रसिया देख सकते हैं। रसिया की कैपिटल है मॉस्को और मुद्रा है रूपल। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेनियल ओटारगे को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, निकारागुआ। इनको आप पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। निकारागुआ मध्य अमेरिकी जल डमरू मध्य का सबसे बड़ा देश है, जो अपनी सीमा होंडुरास, द कैरिबियन, कोस्टा रिका और प्रशांत महासागर के साथ साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है। राजधानी है मेनागुआ और मुद्रा है निकारागुआ कोर्डोबा। आप लोग मैप में देख सकते हैं, यह है निकारागुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण गोयल ने किस शहर में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अन्य संघ हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए किस बैंक ने मीका सुपे के साथ समझौता किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक ने। डिस्कस कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। स्थापना 3 दिसंबर 1993 में हुई थी। इसे पहले यूटीआई बैंक के नाम से भी जाना जाता था। मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, असलान ने, जो कि रूस के रहने वाले हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब डिस्कस कर लेते हैं डेली स्टैटिक जी के डोज। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? राजस्थान राज्य में। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली पर्वत। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लीजिए। मार्क रट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, नीदरलैंड के।
हाल ही में IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, पियर ओलिवर गोरीचेंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, नागालैंड राज्य में। गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो सबसे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू हो गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।